समझ में आया। कम से कम प्रशासन को इस बात को लेनी चाहिए कि भाई जनता किस हाल में है। अभी तक प्रशासन से कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ और हम लोग जो परेशान है इसके लिए कुछ करना चाहिए सरकार को। पहली बात, जब दूसरी बात ये, जब हम लोग सफर कर रहे थे सर तो लगभग 4 बजे से कुछ पहले 2-3 मिनट पहले गाड़ी 2-3 बार झटका खाई है, उसके बाद जो है ऐसा हुआ है। स्टेशन मास्टर जगह पे देखने भी नहीं गए, अभी तक नहीं गए हैं। और हम लोग जिसको ही पूछ रहे हैं व्यवस्था की जाएगी, ऐसा होगा वैसे कुछ तो हुआ नहीं सर। अभी तक हम लोग सिर्फ परेशान है सर, प्रशासन को इस बात को लेनी चाहिए। रेलवे अभी तक कोई जो यात्री ट्रेन के जो यात्री है उनको पास के हाजीपुर पहुंचाने या बाकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। अभी भी पूछने के लिए भी अभी कुछ बता नहीं सकते हैं, जब तक ये ट्रेन ये समस्या खाली नहीं हो जाती है तब तक हम कुछ कह नहीं सकते हैं। हमारी सामान कहाँ है, कैसे सुरक्षित रहेंगे, कैसे जाएंगे हम लोग, इसमें 80% इलाहाबाद जा रहे हैं कुंभ स्नान के लिए। और एक जनरल रिजर्वेशन बोगी में इतना आदमी है, लेकिन कुंभ के नाते हम लोग सब गए, सुरक्षित गए आ रहे थे, लेकिन प्रशासन या रेलवे विभाग के तरफ से कोई सुविधा नहीं है। बूढ़ी माँ, बहन, भाई, बच्चे, अभी तक हमारे एक छोटे बच्चे नहीं मिल रहे हैं, वो नहीं मिल रहे हैं। कोई खोज करने वाले हम लोगों को, लापरवाही है, इतना लापरवाही यहाँ का है। मोटा मोटी जबकि बगल में दुर्घटना घटी है, एक बार कोई देखने, यहाँ काहोल मच रहा है, कोई वहाँ देखने तक नहीं पहुँचा, ना प्रशासन, अभी प्रशासन आया। हम लोग जो है ना H7 में थे, हम लोग वहाँ से निकल के निकाले हैं, प्रशासन पुलिस वाले ये सब कोई नहीं आया, सुबह सुबह आया। जब एक अभी जब पूछे स्टेशन मास्टर को भैया एक बंदा फंसा हुआ, उसको इतना फंसा हुआ था, उसको अभी तक 2 घंटा हो गया, उसको नहीं निकाल पा सका स्टेशन मास्टर को पूछे भैया इतना घटना घटा, आप आगे 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 क्यों नहीं कंफर्म किए, और अभी तक मान के चले कि आप अभी बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, आपको तो उस समय जिस तरह का घटना घटा था आपको तुरंत आना चाहिए, तुरंत इस तरह का व्यवस्था में जुटना चाहिए। क्या हुआ नहीं हुआ कोई देखने वाला नहीं मिला, सब पब्लिक मतलब काहोल मचा हुआ था। हाँ जनता, यहाँ के लोग, यहाँ के लोकल आदमी जो है ना वो आकर के हम लोग को देखा, मदद क्या करे, उसके पास में तो कोई सामान था ही नहीं जो उठाएगा उसको ये करेगा। हम घटना स्थल तक गए, लेकिन हमें ये बताइए कि जो स्थानीय लोग हैं वो तो मदद के लिए आए हैं, प्रशासन के लोग अभी आए हैं, मतलब सारे लोग इसमें जो भी यात्री हैं, स्टेशन मास्टर थे। ये घटना होने के बाद ये लोगों को टीम को पहुंचने में कितना वक्त लगा, अभी तुरंत 10 मिनट पहले पहुंची है। 6 बजे पूरा सहदेव गांव का लोग उसको धन्यवाद देते हैं हम लोग, सहदेव गांव का इतना मदद किया कि कहने से फाजिल बात, प्रशासन का नहीं, प्रशासन कुछ नहीं किया सर, प्रशासन कुछ नहीं कर सका। सीएम साहब के यहां फोन भी लगा, सहदेव गांव का धन्यवाद देते हैं कि आदमी पूरे सीएम साहब को हम फोन लगाए हैं, वहां घंटी बजी और उठाया नहीं, प्रशासन का फुल घंटी बजा, उठाया नहीं। घटना घटी है उसके बाद भी प्रशासन अभी तक नहीं पहुंचा, 7 बजे तक नहीं आए। जनता पूरा सेवा कर रही है, लेकिन पुलिस अभी 6 बजे आई है, 6 बजे पुलिस आई है, यहाँ का पब्लिक 6 बजे। हम लोग देखिए जूता उता सब पूरा, हम लोग यहाँ पे आदमी को निकाल रहे हैं, लेकिन पुलिस एक मिनट हमको रास्ता घटना स्थल तक भी जाएंगे, लेकिन आपकी बात को हम चाहते थे कि पहुँचाएं कि 4 घंटे बाद भी उर्वशी देखिए जो हालात हैं, लगभग 3:58 में रेल प्रशासन कह रही है कि ये घटना घटी है, और अभी 7:20 होने को है, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन की तो बात छोड़िए, जो यहाँ पे जिस तरीके से जिस हाल में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो उनकी बात अब खुद आपने सुना होगा कि किस तरीके का दर्द बयां कर रहे हैं, स्थानीय लोगों के सहयोग के अलावा प्रशासन का बंदा अभी भी इन लोगों के सूद लेने के लिए अभी तक नहीं पहुंचे, तमाम अधिकारियों की इसकी जानकारी है, इतना बड़ा हादसा हुआ है और ये इसमें अधिकांश यात्री कुंभ स्नान करने के लिए इलाहाबाद जा रहे थे, ये अगर हम
बात भावनाओं की करें और सियासत की करें तो सब सियासत इसको लेकर साधने की कोशिश हो रही है, लेकिन जब संकट में उनके श्रद्धालु आए तो कोई देखने वाला नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। आप कहाँ जा रहे थे? हम लोग प्रयाग जा रहे थे सर, प्रयाग धाम जा रहे थे। यहाँ का सहदेव गाँव का लोग बहुत मदद किए सर, हम लोग को कोई तरह का चक चुक नहीं होने के लिए दिए। हम लोग हादसा में पड़ गए, सब तो हाथ फल इधर उधर आदमी है, झोला कहाँ है नहीं है, कोई पता नहीं है, नहीं है। खगड़िया जिला से आए हैं सर, हो गया उसमें हम लोगों को प्रांत खगड़िया पूर्णिया जिला हुआ, मधेपुरा जिला हुआ, कटिहार हुआ, महेशपुर हमको घटना स्थल बता रजिस्ट्रेशन मास्टर क्या इतना समय नहीं लग सकता कि लोकल प्रशासन आ सकता था? वो आए 6 बजे, यही है विधि व्यवस्था का व्यवस्था। अभी तक कैसे जाएंगे, क्या होगा, वो कुछ व्यवस्था नहीं बोल रहा, अभी कोई व्यवस्था नहीं है। 3-4 घंटा लगेगा जब हम लोग को इस समय पे पहुंचना है, क्या होगा अभी कहना मुश्किल है। चलिए, हमारी कोशिश है कि हम उस घटनास्थल तक भी चले जहाँ ठीक सामने ट्रेन हादसा हुआ स्टेशन पे ही। सबसे बड़ी बात है कि स्टेशन पर ही घटना घटी। हम चाहेंगे कैमरामैन वो स्टेशन दिखाए कि ठीक स्टेशन पर के का जो आउटर सिग्नल है उस आउटर सिग्नल पर ही ये घटनाएं घटी है।